जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है भवि और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नए साल में आप सबको वो सब खुशियां मिले जो आप चाहते हैं। सर्दी बहुत है इस बार, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसी ठंड में अगर कुछ पैसों की बात कर ली जाए तो आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। इसलिए आज मैं आपसे बात करने वाला हूं नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के बारे में, यानी कि उपभोक्ता मामलों से जुड़ी हेल्पलाइन के बारे में और किस तरीके मैंने इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल करके एक कंपनी से अपने पैसे वापस पाए। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, इसे लास्ट तक देखिएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी काम आने वाला है, इसे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, ये सभी के काम आने वाली चीज है। सबसे पहले जानते हैं आखिर एक कंज्यूमर है क्या। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो किसी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए पैसे देता है उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। अक्सर हमें सर्विस या प्रोडक्ट के बदले में एक बिल भी दिया जाता है, साथ ही साथ कुछ कमिटमेंट्स की जाती हैं, कुछ वायदे किए जाते हैं कंपनी की तरफ से या सर्विस देने वाले की तरफ से या फिर दुकानदार की तरफ से। ये वादे वारंटी हो सकते हैं, गारंटी हो सकते हैं या उस प्रोडक्ट या उस चीज जो हमने खरीदी है उससे रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस हो सकती हैं। जैसे कि अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो हो सकता है कि प्रोडक्ट कंपनी कहे कि इसमें 4000 mAh की बैटरी है। तो जब भी कोई कंपनी कोई वादा या कोई मार्केटिंग में कोई बात कहती है तो उसे अपने वादे पर खरा उतरना होता है। क्या हो अगर कोई कंपनी अपने वादे पर पूरी ना उतरे, कैसे उसको आप डील कर सकते हैं, कैसे उस सिचुएशन से आप निकल सकते हैं। मान के चलिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया और उसके बाद कंपनी अपने वायदे से मुकर रही है तो आप क्या कर सकते हैं। उसी के लिए बना है राष्ट्रीय उपभोक्ता मामलों का हेल्पलाइन, यानी कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। इस हेल्पलाइन से जुड़ा नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी कंप्लेंट लॉक करा सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा अपने एक एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए। दोस्तों, मैंने एक चाइनीज कंपनी से एक घड़ी मंगाई जो कि बाहर से इंपोर्ट हुई थी और कंपनी ने उस पर मुझे 1 साल की वारंटी की बात कही थी। 2 महीने इस्तेमाल करने के बाद वो घड़ी टाइम ठीक से नहीं दिखा रही थी तो मैंने कंपनी से बात की। कंपनी ने कोई भी अपना हेल्पलाइन नंबर अपनी वेबसाइट पर नहीं डाला हुआ था, सिर्फ एक ईमेल आईडी थी और उस ईमेल आईडी पे भी कांटेक्ट करने के बाद कुछ भी आउटपुट नहीं निकल रहा था, यानी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। उसके बाद मैंने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे कॉल किया। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराने के कई तरीके हैं। आप SMS कर सकते हैं, आप उमंग ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आजकल मोबाइल फोन सबके पास है और सबसे आसान तरीका फोन के द्वारा कंप्लेंट लॉक कराने का है, तो मैंने भी वही किया। इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने होते, टोल फ्री नंबर है, आप अपने फोन से आराम से इसे डायल कर सकते हैं। जब आप इस टोल फ्री नंबर को डायल करेंगे जैसा कि मैंने किया तो वहां पर मेरी कंप्लेंट को तुरंत एड्रेस किया गया, तुरंत उन्होंने मेरी बात सुनी। जैसे मैंने उन्हें बताया, उन्होंने मुझसे उस प्रोडक्ट का बिल अपलोड करने के लिए कहा और कहा कि आपके पास बिल होना चाहिए और मैंने उन्हें बताया कि हाँ मेरे पास बिल है। जैसे ही मैंने बिल अपलोड किया उसके 2 या 3 दिन के अंदर कंपनी ने मेरे पैसे मुझे वापस कर दिए। जी हाँ दोस्तों, जो कंपनी मेरी बात का जवाब नहीं दे रही थी महीनों से, उसने मेरे पैसे 2 या 3 दिन में वापस कर दिए। तो इस तरीके से आप भी अगर किसी परेशानी से, प्रोडक्ट या किसी सर्विस से परेशान है, किसी दुकानदार ने आपके जो वायदा किया उसे पूरा नहीं किया या किसी कंपनी ने आपसे जो वायदा किया वो पूरा नहीं किया, तो आप भी अपनी परेशानी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के पास लेकर जा सकते हैं। वो आपको सबसे पहले तो कोशिश करेंगे कि वो अपने एंड से इसे सुलझा दें। अगर फिर भी कंपनी नहीं मानती है तो वो आपकी कंज्यूमर कोर्ट में केस करने में भी मदद करते हैं। इसका प्रोसेस बड़ा ही आसान है। आपको सबसे पहले कॉल करना है, जैसे मैंने पहले बताया आप कॉल करके भी कंप्लेंट लॉक करा सकते हैं। जब आप कंप्लेंट लॉक कराएंगे आपके मोबाइल नंबर को रजिस्टर किया जाएगा और आपको एक टिकट नंबर दे दिया जाएगा। उस टिकट नंबर को आपको संभाल कर रखना है, वो आपके फोन के मैसेज में भी होगा तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, नंबर हमेशा आपके पास रहेगा। उसके बाद जैसे ही कंपनी कोई जवाब देगी आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि हाँ उस कंपनी ने कोई जवाब दिया है या इस विषय में आगे हुआ क्या है। और हमारे मन में एक धारणा है सरकारी एजेंसीज को लेकर के काम नहीं करती हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के बारे में मैं आपको अपने अनुभव से कह सकता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो हमेशा आपकी मदद करते हैं और इनफैक्ट मैंने एक बार नहीं कई बार उनसे मदद लिया और हर बार मेरा काम हुआ है। जब प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, यानी कि जब आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी, उसके बाद भी सरकार आपसे फोन करके पूछेगी कि क्या आपको अभी भी कोई परेशानी तो नहीं है। तो अगर आप कोई भी किसी भी प्रोडक्ट को लेकर या कोई भी ऐसी सर्विस को लेकर आपको लगता है आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुई है, तो एक बार आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में जरूर ट्राई कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा सहायता की जाएगी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के द्वारा।
दोस्तों अब जो ये नंबर मैंने आपको पहले स्क्रीन पर दिखाया है उस नंबर को आप अपने फोन में सेव कर लीजिए, क्योंकि ये नंबर आपके कभी भी काम आ सकता है। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो के इस हिस्से में अब मैं आपको एक वीडियो गाइड दिखाऊंगा जहां पर मैंने आपके साथ अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर की है, और लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करने का मकसद यह है कि आप देख सके वेबसाइट दिखती कैसी है और कैसे उस वेबसाइट पर जाकर भी आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ किस तरीके से अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाए तो आप वहां पर डॉक्यूमेंट किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। दोस्तों नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कंप्लेंट रजिस्टर कराना काफ़ी आसान है इनकी वेबसाइट पर। ये इनकी वेबसाइट का यूआरएल है जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, consumerhelpline.gov.in। यहाँ पर जाकर अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। उसके लिए जब आप यहाँ पर लिंक क्लिक करेंगे रजिस्टर्ड ऑनलाइन हेयर, तो इस तरीके का पेज खुल के आएगा जहाँ पर आपको काफ़ी बेसिक जानकारी अपने बारे में देनी है, जैसे कि नाम, जेंडर और ईमेल एड्रेस, और आप आसानी से अपना एक लॉगिन बना सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो इस वेबसाइट पर ये ऑप्शन है ट्रैक ग्रीवेंस, यानी कि अगर अपनी शिकायत की स्थिति जानना चाहते हैं या अपनी शिकायत से जुड़े कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो आप इन दो ऑप्शंस पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का कुछ पेज मिलेगा जहां पर आपको अपना टिकट नंबर, जो कि आपके फ़ोन पे मैसेज में आया होगा जब आपने कंप्लेंट करी होगी, वो डालना है और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, और आप सबमिट करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपके अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरीके से आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस भी जान सकते हैं। साथ ही साथ जैसा मैंने पहले बताया था, आप इस पोर्टल के माध्यम से भी अपनी शिकायत डाल सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर जाकर लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा जहाँ पर वो आपको डैशबोर्ड बताएगा, और आपकी पुरानी ग्रीवेंस हिस्ट्री भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मैं काफ़ी कंप्लेंट ऑलरेडी इनसे सॉल्व करा चुका हूँ, तो यहाँ काफ़ी सारी कंप्लेंट्स हैं। अगर आप ग्रीवेंस रजिस्टर यानी अपनी कंप्लेंट यहाँ से रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर ग्रीवेंस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ये ऑप्शन पर आप आई एग्री करेंगे जहां बता रहे हैं कि आरटीआई या कि रिलीजियस मैटर नहीं है, और उसके बाद यहां पर फील्ड्स जैसे कि स्टेट, परचेज सिटी, कहां पर आपने ये परचेज़ की थी या कहां पर एज ए कंज्यूमर आपको दिक्कत हुई, किस इंडस्ट्री के लिए दिक्कत हुई, और उससे रिलेवेंट ऑप्शन डाल सकते हैं। किस कंपनी का नाम भी आप यहां पर डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री सर्च कर लेता हूं, तो यहां पर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली कंपनीज आ जाएंगी। जब मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा एयरलाइन डोमेस्टिक, तो आप देख सकते हैं एयर इंडिया जितनी भी डोमेस्टिक एयरलाइन है वो अपने आप सिस्टम उन्हें पिक कर लेता है। उसके बाद आप नेचर ऑफ ग्रीवेंस बता सकते हैं कि किस तरीके का आपको शिकायत है और किस वैल्यू की आपको शिकायत है, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, सर्विस की वैल्यू है, वो क्या थी। यहाँ पर आप डिटेल्स दे सकते हैं अपनी शिकायत के बारे में, आप पूरा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई प्रूफ है, कोई बिल है, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं चूज फाइल में जाकर, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके फ़ोन पर एक मैसेज आ जाएगा और आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर ली जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके कुछ काम आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।